अभी तो मैग्नेटिज्म वाले कुछ क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, कर लिए हो? सर, आपको क्वेश्चन में बोले डाउट थे है। नींद देने के, आपने आज ज्यादा दे दिया, सबसे ज्यादा आज दे दिया हूँ। ठीक है, तो उसे करते ही रहना है, अभी तो नहीं हुआ होगा। तो लास्ट लास्ट का उसमें से एक जो लास्ट का आपने डिस्क का मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोला था, उसके उसमें मेरा आंसर से दूसरा आ रहा। शायद प्रोसेस भी तो बता दिए थे, आ जाना चाहिए। एक सर उससे रिंग लेते। किए, हाँ यस सर, उसमें आई निकाल के करेंगे ना, रिंग का डी आई से, उसके हाँ ओमेगा से, सर हाँ नहीं आ इससे रहा। ज्यादा तो कुछ और आ जा रहा होगा। क्या आ रहा है? गया, लेकिन जो एक्सप्रेशन है R^4 वो नहीं आ रहा, और नीचे में जो टर्म है आई कितना आया? आई x² कितना आया? DI डी? हाँ सिग्मा ओमेगा एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, दिया गया तब तो आ जाना चाहिए। जो R^4 है उसमें मेरा R^2 आ रहा, एक्स और डी एक्स यानी कि एक्स रेडियस लिए हो? यस सो ठीक है, तो डी आई आ गया तो आ जाना चाहिए ना। इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन बनेगा ना, वो XDX है तो वहां पे टी लेके मान लेकर। सिग्मा ओमेगा एक्स डी एक्स यही आया है, तो डी यस वी सर, लिखे होगे तो ये लिखोगे म्यू नॉट डी सिग्मा आई ओमेगा आर स्क्वायर ही होता है, तो डी आई की जगह यस हम सर सिग्मा ओमेगा एक्स एक्स डी डॉट एक्स इनटू रेडियस के आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यस सर और नीचे टू आर स्क्वायर फिक्स है प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, रेस्ट यस अबाउट 3/2। ठीक है, तो ऊपर एक्स क्यू आ रहा है। यहाँ पे आर जो है वो कांस्टेंट है। यस सर ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। X³ का कैसे करूं? हाँ किस चीज का? इसका इंटीग्रेट कैसे करें? इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इंटीग्रेशन तो तुम लोग पढ़ रहे हो, तो डिफरेंशिएशन भी पढ़ 2x³ r² प्लस x²^3/2 dx ही आएगा। ये सो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगा, थोड़ा लंबा जाएगा। ये है x, ये है r, थीटा के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, इतना सही है ना? इसका इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन सीखना तो उसमें कर लेना। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, साइन कॉस के टर्म में कुछ रखते हैं, हमको भी ध्यान नहीं आ रहा है। जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है तो कॉस में करते हैं या फिर साइन में करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, कॉस या फिर टेन, ऐसा कुछ एक मेथड है, इंटीग्रेशन में बताया जाएगा। ठीक है, यस यहाँ पे नीचे वाला जो इस तरीके का दिखता है ना, तो उसमें एक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आता है कि जब ऐसा दिखे तो ये रखना चाहिए, अंडर रूट में रहता है तो हम लोग शायद साइन कॉस रखते हैं, ऐसे में टेन रखते हैं, ऐसा ही कुछ रखते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरे सो यस सो इंटीग्रेशन में बताया जाएगा तो हो जाएगा। इतना सही लिख लिए हो? यस सो बस वहां पे R² लिख दिया था। हाँ सही हो गया, 32²
ठीक है, जो भी अगर इतना हो गया तो इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन सीखोगे तो हो जाएगा। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में आता है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा हमको क्या रखते हैं। और ऐसे अगर सोचे तो थोड़ा लंबा दिख रहा है हमको। ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं रहा है? सर लास्ट क्लास में हेल्विस कॉइल बताया था, सबसे डिस्कनेक्ट होगा, समझ नहीं आया क्या हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल? ये था कि अगर हम लोग दो कॉइल को आजू बाजू में रखते हैं, ठीक है, तो yes. हमें जो मैग्नेटिक फील्ड इस दोनों के बीच में मिलता है वो यूनिफॉर्म मिलता है। ठीक है, एक रिंग है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम एडप्ट करें तो बीच में हमारा यूनिफॉर्म मिलता है। रेडियस हम सेम रखे थे, डिस्टेंस सेम था आर के बराबर, करंट का डायरेक्शन जो है सेम रहेगा तब भी जाके एडअप होगा। ठीक है, डायरेक्शन इसकी वजह से यहाँ इधर और इसकी वजह से भी इधर रहेगा तभी ऐड होगा। तो ऐड होके जो है ऐसा कुछ हमारा मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था, यानी कि इस रीजन में जो है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिलता है। बस इतना ही ये था और कुछ नहीं था। मैग्नेटिक मोमेंट किसका निकाल सकते आप? मैग्नेटिक मोमेंट तो रिंग वाले में ही फॉर्मूला में लिखे थे कि मैग्नेटिक मोमेंट एम जो होता है वो एरिया इनटू करंट होता है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो ये होता है, तो इसके लिए बोले थे कि अभी चिंता मत करो, इसे हम बाद में देखेंगे। सो क्रॉस है क्या? एरिया इनटू करंट, करंट क्या है, स्केलर है वेक्टर है? स्केलर क्रॉस क्यों लिखेंगे? ठीक है, इसके डायरेक्शन कैसे देखते हैं वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है सर, इसका काम कहाँ आता है ये वाला कॉइल, कॉइल का? जहां पे हमें यूनिफॉर्म लेना होगा वहां पे यूज करते होंगे। अब प्रैक्टिकल तो हमको भी ध्यान नहीं याद है कहाँ होता है। ठीक है, हो सकता है किसी एक्सपेरिमेंट में या कहीं यूज करता होगा लोग, आइडिया नहीं है मोल्ड्स कॉइल का। पहले कुछ में होता होगा, आज के डेट में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है, आजकल तो सोलेनोइड और वाइड ही दिखता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो। ठीक है, यस सर, पहले लोग यूज करते होंगे कहीं। ठीक है, में डाउट था किस चैप्टर का? मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट, पेज 251। क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें क्या दिक्कत आया? सर जो ए के लेफ्ट में वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड काउंट नहीं किया है, और जो सी के राइट में जो वायर है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड काउंट नहीं किया है आंसर में। सो द स्क्वायर लूप इतना, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। लिखना चाहिए था स्क्वायर लूप के लिए, पता करना है
तो अगर करंट है, वायर है, तो होना चाहिए उसकी वजह से। यस सर। ये कैंसल आउट नहीं ना हो रहा है दोनों, एक दूसरे से कैंसल आउट नहीं ना हो रहा है? नहीं हो रहा सर। ठीक है, और सर मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि कितना लेंथ है वायर का, तो उसको सेमी इंफिनिट मारेंगे। कौन से को? जो ए के लेफ्ट में वायर है और सी के राइट। हाँ तो नहीं दिया है तो क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी से ही हम मानेंगे। और यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, इसका मतलब वो किया ही नहीं है। उसका लिखना चाहिए था कि एबीसीडी पार्ट के लिए निकालना है। यस सर। सो जो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन है एचसीबी में, सो उसमें ई का ई टू द पावर जो समथिंग उसका एग्जैक्ट वैल्यू लेके सॉल्व आंसर दिया हुआ, तो उसमें क्या करें? अब उसका अप्रोक्सीमेट करो या कुछ भी करके, जैसे एचसी वर्मा में किया है तो कैलकुलेटर यूज किए हैं। अब हम लोग तो कैलकुलेटर यूज नहीं ना कर सकते हैं, तो हम लोग का क्वेश्चन जैसे कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो कुछ भी मिल सकता है। एग्जाम में लगभग आता है स्टैंडर्ड वैल्यू आते हैं, ठीक है, सिंपलीफाई का, नहीं तो वैल्यू दिया रहता है, नहीं तो स्टैंडर्ड वैल्यू आता है, जैसे LN2 3 10 इन सबके टर्म में आ जाता है। ठीक है, बाकी सब हो गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का हाँ आखिरी का थोड़ा सा बाकी है। और इसमें कहाँ तक हो गया? तो इसमें 25 तक हुआ। ठीक है, आगे भी आज के बाद तो पूरा ही हो जाएगा। मैग्नेटिक फिर इतना छोटा चैप्टर था ये वाला, क्या इतना ज्यादा छोटा चैप्टर था ये? एच सी वर्मा के हिसाब से छोटा है, जो इससे पहले जो चैप्टर वो भी इसी में आता है। ठीक है, अभी तो मैग्नेटिज्म चलता ही रहेगा। हाँ वो तो इससे भी छोटा है ना। हाँ छोटा छोटा पार्ट ही करके, जैसे कि अभी ये पढ़े मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, उसमें है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किस पे, चार्ज पे कितना लगेगा, करंट कैरिंग वायर है तो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स फाइंड करना होगा। और उसके बाद देखेंगे कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल मैग्नेट कैसे क्या ये लगता है, और उसके बाद थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी वाले मटेरियल जैसे परमानेंट पैरा मैग्नेट डाई मैग्नेट ये सब क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें देखना है। सो एनसीईआरटी में तो काफी, सर एनसीईआरटी में जो मैग्नेटिज्म का पार्ट है वो काफी बड़ा है, और जो बुकलेट और ये एचसीबी में से काफी कॉम्पैक्ट करके दिया, वही चीज दिया हुआ है उसमें लिखा है तो लंबा चौड़ा हो गया। हाँ तो इसका एक चैप्टर पर जेई मेंस में है ना, मैग्नेटिज्म मैटर करके जो चैप्टर है। हाँ वो सिर्फ जेई मेंस के लिए है। सो कौन सा? चैप्टर 5 एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, और इस बार तो बोर्ड में भी डिलीटेड था, उसमें सिर्फ ये थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा थ्योरी है, न्यूमेरिकल कुछ है ही नहीं। ठीक है, पिछले बार तो डिलीटेड पोर्शन में था भी और टाइम भी कम था तो बच्चा लोग अपने से पढ़ लिया था। सोलेनोइड क्या होता है? लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइन हैविंग कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ जो हम लोग रिंग। हाँ डेफिनेशन नहीं लिखा रहे, हम सब पूछेगा भी नहीं। अगर ऐसा कॉइल को हम लोग लपेट दे तो ऐसा जो फॉर्मेट बनता है हमारा, उसे हम लोग बोलते हैं कि सोलेनोइड।
ठीक है, सोलेनोइड है, इसमें से अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दे तो हमें ऐसा कुछ इसमें करंट बहता हुआ दिखेगा, ठीक है, यानी कि हम इसमें करंट मान रहे हैं कैसा बह रहा है। ठीक है, अगर ये करंट आई ऐसा इन गया इधर से बाहर हमें आई निकलता हुआ दिख रहा है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, तो कैसा होगा? इस साइड से अगर हम लेफ्ट साइड से खड़ा होकर देखेंगे तो हमें कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, बोलो? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यानी कि इधर वाला साउथ की तरफ होगा और इधर से देखेंगे तो हमें नॉर्थ दिखेगा। दूसरा, राइट हैंड से भी हम लोग देख सकते हैं, अगर राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के लंग कर्ल करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में ऐसा जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, ऐसा हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से इन हो रहा है, इधर से बाहर जा रहा है, यानी कि साउथ से नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ पे टर्मिनेट हो रहा है और अंदर में साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। ठीक है, हम लोग इसी चीज को, ये जो वायर है, ऐसा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये अपर ये लोअर, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि करंट जो है बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ऐसे हम हर वायर का करंट दिखा दे रहे हैं। ठीक है, और इधर से हम लोग क्रॉस दिखा रहे हैं, यानी कि जो वायर है अंदर की तरफ जा रहा है जिसमें करंट जो है अंदर की तरफ बह रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसा दिखेगा, इधर वाला एंड साउथ की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर वाला नॉर्थ की तरह। अगर हम लोग इसे बार मैग्नेट से कंपेयर करते हैं तो उसी की तरह सिमिलर दिखता है। ठीक है, यानी कि सिमिलर एज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट सबको पता है क्या होता है? यस सर। ठीक है, बार मैग्नेट यानी कि बार शेप का होता है, इसलिए बार मैग्नेट बोलते हैं। उसका एक एंड नॉर्थ होता है, एक एंड साउथ होता है। तो उसमें भी देखते हैं, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ पोल पे टर्मिनेट होता है, और इनसाइड मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं साउथ टू नॉर्थ होते हैं। ठीक है, सब फिर से एक बार लिखाएंगे, लेकिन ये सब हम लोग पहले से भी जानते हैं, इसलिए यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है। अब हमें इसी सोलेनोइड के कारण इसके किसी, ये सेंट्रल लाइन है तो इसके किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक पूछा जाता है। तो हमें दिख रहा है कि एक लूप के लिए तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं, जैसे बहुत सारे लूप दे दिया जाएगा तो क्या हम नहीं फाइंड कर सकते? कर ही सकते हैं। तो इसमें दो टर्म्स यूज होते हैं, एक तो यूज होता है कैपिटल एन। हाँ, थ्री डॉट क्रॉस एक्सप्लेन कीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गए। यहाँ पे करंट बाहर निकल रहा है तो इस सीन पे देखेंगे तो हमें बाहर दिख रहा है, और यहाँ देख रहे हैं तो अंदर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा बार बार तार न बना के हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अपर एंड से दिख रहा है कि करंट बाहर आ रहा है और लोअर एंड से अंदर जा रहा है। ठीक है, कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल कितना टर्न है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक स्मॉल एन रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एन बाई एल, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया जा सकता है या फिर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिया जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा सोलेनोइड है एल लेंथ का, इसमें ऐसा करंट जो है ऊपर बाहर की तरफ आ रहा है और नीचे बोल रहे हैं क्रॉस है। ठीक है, नीचे क्रॉस है, ऊपर डॉट है। अब अगर हम यहां से एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका लेंथ एल है, तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट पी लिए हैं, तो वहां से ऐसा एंगल अगर देखें, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो हम इस एंगल को बोल रहे हैं ये अल्फा है, इस एंगल को बीटा है। इसी अल्फा और बीटा के टर्म में हमें मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे निकालना है।
ठीक है, करंट आई है और बाकी जो है ये चीज हम यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ? हमें तो दिख ही रहा है रिंग, यानी कि एक एक लूप से मिलके ये बना हुआ है, तो हम तो लूप के बारे में जानते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फॉर कैलकुलेशन ठीक है, ये हमारा सोलेनोइड हो गया, ये सेंट्रल लाइन लेट से, ये पॉइंट पी हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जाके एक ऐसा लूप मान ले रहे हैं, ठीक है, ये लूप हम मान लिए कि यहाँ से ऐसा कुछ एक्स दूरी पे जाके ऐसा लूप है, जिसका ये हम बोल रहे हैं कि ये डी एक्स है, ये एक्स है, तो इसका थिकनेस जो है डी एक्स का है। यहाँ पे अगर हम इसका एंगल देखें तो यहां से हम बोल रहे हैं थीटा पे जाके ये इसके टर्म में लिखेंगे तो ये हमें डी थीटा दिखेगा। ठीक है, इसका जो yes. रेडियस है, इस बोल रहे हैं कि जो रेडियस है ये आर है, रेडियस, ठीक है, इस ट्यूब जो फॉर्मेट बन रहा है इसका रेडियस आर है। अब इसी के टर्म में हम फाइंड करना है, तो क्या हम इस रिंग पे करंट पता कर सकते हैं? डीआई कितना होगा? करंट तो सिंपल होगा, एक वायर में करंट, एक वायर जब एक लूप था तो उसमें आई करंट बह रहा है, तो नंबर ऑफ लूप इनटू ऑफ लूप इनटू आई, यही होगा। नंबर ऑफ लूप कितना लिख सकते हैं? एन जो है नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ है, इसमें डीएक्स से मल्टीपल कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ लूप्स दिख रहे हैं। yes. ठीक है, तो ये हमारा आ गया डीआई। डीआई कितना आ रहा है? हाँ, हर एक लूप में आई करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा? हाँ, तो आई ही तो फ्लो कर रहा है, तो सेम डीआई भी तो आई ही फ्लो होना चाहिए। मान लेते हैं कि एक वायर ऐसा गया, फिर एक और वायर गया, तो दोनों में आई आई सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में तो एड अप होगा। यस सर, हम लोग एक लूप के लिए नहीं निकाल रहे हैं, वहां dx जब हम थिकनेस ले रहे हैं तो वहां एक लूप कैसे कर रहे हैं? कितना नंबर ऑफ, ठीक है, लेंथ अल्फा बीटा के टर्म में निकालना है, तो हम x पे जाके dx थिकनेस लिया ना, तो dx थिकने में कितना लूप बना है ये तो हमें नहीं पता, हमें पता है कितना बना है, तो n into dx यही बना है। yes, तो वही चीज लिखे हैं। अब इस लूप के कारण यानी कि इस एलिमेंट के कारण अगर हम dB लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई, आई क्या हो जाएगा? एन आई डी एक्स इन टू बोलो रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। ठीक है, यानी कि इसे ये चीज आ रही, एक बार सिंप्लीफाई कर दें, जो जो कॉन्स्टेंट उसे बाहर निकाले, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई टू, तो हमें ऐसा दिख रहा है, अंदर में डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, यही दिखेगा। आर स्क्वायर को फिलहाल अंदर ही रहने देते हैं, ये दिखेगा। yes. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रिलेशन भाई कैसे इसमें रिलेशन निकाले, कैसे हम सॉल्व करें, तो नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना ही है, तो यहाँ पे हमें एक ट्रिंगल ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, देखो ये थीटा है, ये एक्स है और ये आर है, फ्रॉम फिगर दिख रहा है। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस चीज को अगर हम यूज करें तो यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, क्या आएगा? म्यू नॉट एन आई बाई टू आर स्क्वायर, नीचे कॉमन लेंगे तो आर क्यूब आएगा,
नीचे ध्यान से देखो, तो x को हम लोग r tan theta पुट कर सकते हैं। यस सर। तो नीचे हमारा r cube कॉमन आएगा, 1 प्लस tan square theta होगा, रेस्ट पावर 3/2। ऊपर dx को हम r sec square theta d theta लिख सकते हैं। 1 प्लस tan square theta जो होता है sec square theta होता है, ठीक है। तो इसे अगर ध्यान से देखो, तो यहाँ से तो r क्यूब गया, म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटेग्रल सेक स्क्वायर थीटा बाई, नीचे सेक स्क्वायर थीटा का ये है तो सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस ऑफ थीटा बच रहा है। कहाँ से कहाँ, तो माइनस बीटा से अल्फा तक। Yes, ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो म्यू नॉट एन आई बाई टू, साइन में आएगा कॉस का, तो साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन बीटा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारा किसी भी पॉइंट पी पे अल्फा बीटा के टर्म में। अल्फा बीटा ध्यान से देखना है कि हम एंगल कहाँ से लिए हैं, परपेंडिकुलर से, ठीक है। से थोड़ा ऊपर खींच लो और से फिगर के पास। तो इसमें कंपोनेंट नहीं लीजिएगा। कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड रिंग के कारण किस डायरेक्शन में होता है? इस रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे अलोंग एक्सिस। यस सर। तो सोलेनोइड बहुत पतला होता है तो अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं इसमें क्या? तो सोलेनोइड बहुत पतला रहता है तो इसमें अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। हाँ, अभी वही चीज करेंगे। रेडियस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग सोलेनोइड करें, लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है, लॉन्ग सोलेनोइड करने का मतलब है या तो ऐसा, मतलब रेडियस के हिसाब से इसका लेंथ क्या होगा, बहुत लंबा होगा। क्लियर है? तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो अल्फा में कितना दिखेगा, 90 बीटा 90, तो अल्फा और बीटा दोनों 90। तो इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो क्या आ रहा है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और यही है आइडियल सोलेनोइड के लिए भी। आइडियल बोल रहा है इसका मतलब ये है कि म्यू नॉट एन आई, ये हमें क्या दिख रहा है, यूनिफॉर्म, यानी कि हम सोलेनोइड के अंदर देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक बार सोलेनोइड बन गया तो फिक्स है, करंट हम कितना पास कर रहे हैं उस करंट के हिसाब से ये भी फिक्स्ड है। सेकंड बोलेगा कि सेमी इनफाइनाइट, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट करने का मतलब यही होगा कि हमसे बोलेगा कि एट वन एंड, एट एंड ऑफ सोलेनोइड, ठीक है, सोलेनोइड के एंड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर देखेंगे तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, बोलो, यू एन आई बाई टू। अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हमें बीटा क्या मिलेगा, 90, और अल्फा क्या मिलेगा, 0। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू होगा। यस। ठीक है, तो सोलेनोइड के लिए अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो ये चीज आ रहा है, इतना मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा, म्यू नॉट एन आई यूनिफॉर्म दिख रहा है, ये भी यूनिफॉर्म दिख रहा है एट द एंड। तो जो हमारा इसका
मैग्नेटिक फील्ड आता है आइडियल सोलेनोइड के लिए, ऐसा आता है। ठीक है, ये जो है एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट म्यू नॉट एन आई लॉन्ग है सेंटर पे, ये म्यू नॉट एन आई बाई टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ इनफाइनाइट अज्यूम कर लिए तो इंक्रीज कैसे कर रहा? इनफाइनाइट करने का मतलब ये भी होगा कि लेंथ जो होगा रेडियस के मुकाबले क्या होगा, लंबा होगा। यस सर। लंबा है तो ये एंगल दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं किसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, काफी छोटा। ठीक है, बाकी अगर रियल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो रियल का ऐसा आता है। ठीक है, ये रियल सोलेनोइड के लिए है और ये आइडियल के लिए। ठीक है, तो सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग आगे भी देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से, फिलहाल इतना। सर एक मिनट, हल्का नीचे कीजिए, बस बस ये ग्राफ देखना था। हो गया, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सर पॉइंट अगर बाहर रहेगा क्या? बाहर के लिए हमसे नहीं पूछा जाएगा, बाहर तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है। ठीक है, तो कम उससे हमको लेना देना अभी नहीं है सिलेबस में हमारा। नेक्स्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, यह सिंपली एम्पियर्स लॉ भी बोला जाता है। तो ये जो है कह सकते हैं कि इट इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म में जो गॉस लॉ है उसे हम लोग ये चीज बोल रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, लाइन इंटीग्रल। गॉस लॉ तो सबको पता होगा। यस क्या था? देवांशु बताएगा। हाँ देवांशु बताओ। सर वो इंटीग्रेशन का बीच में वो जो सर्कल जैसा। अच्छा, इंटीग्रेशन के बीच में सर्कल था, वो एक और स्लॉट था ना। सर वो वाला का स्टेटमेंट नहीं, वो वाला याद है, इक्वेशन याद है। अच्छा, तो इक्वेशन ही क्या था? सर वो इंटीग्रेशन इन अ क्लोज लूप। क्लोज लूप, उसमें हम लोग लूप कहाँ बनाते थे? सर वो वाला सिंबल को क्या बोलते हैं जिसमें इंटीग्रेशन वाला के बीच में एक जीरो जैसा जो रहता है? इंटीग्रल ही बोलते हैं। सर क्लोज लूप था उसमें कुछ, तभी ना वो सर्कल जैसा था। और आगे क्या था? सर उसके बाद था, सर डीई को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किए थे।
भाई मतलब किस किस चीज को इंटीग्रेट किए थे सर? डीई को इंटीग्रेट किए थे। किसके रिस्पेक्ट में? डी 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 एक्स के रिस्पेक्ट में। यही था उस समय बोले थे, बोर्ड में भी पूछता है वही चीज, ये भी लिखा होगा वहां पे। क्या था कि अगर हम लोग एक क्लोज सरफेस का इंटीग्रल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू एरिया, यानी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए जो था वो इक्वल था क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ जो होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ अगर हम क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो वो होगा एप्स म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, यानी कि चार्ज करंट कितना इनक्लोज्ड है वो चीज, ठीक है। तो इसे कभी कभी हम लोग गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली जगह पे क्या यूज होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ या फिर एम्पियर लॉ। अब जैसे कि यहाँ पे करंट बह रहा है, हो सकता है कि ऐसा हमारा दो तीन करंट बह रहा है और ये हम अगर एक लूप घूम रहे हैं, ठीक है, इस केस में हम लोग पाथ घूमते हैं, एरिया नहीं है, ध्यान रखना है। तो इस लूप पे, इस पाथ पे अगर हम लोग ऐसे घूमे तो हमें क्या दिख रहा है, ये आई वन आई टू एंड आई थ्री है। तो ये सारे एक यहाँ भी बना देते हैं I4। तो इसमें जो I enclosed लेंगे वो क्या क्या लेंगे बताओ? I1, I2, I3। I1 plus I2 minus I3। क्योंकि जो coming out है उसका positive लेना है। तो मान लेते हैं कि अगर हम clockwise ऐसा इसमें ऊपर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी किस डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो हमारा जो इसमें करंट I होता तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होता, तो डायरेक्शन हमें इसे ही पॉजिटिव मानना है कि जैसे अगर हम लूप में ऐसा घूम रहे हैं तो I1 I2 को पॉजिटिव, अगर हम उल्टा घूमते तो I3 को पॉजिटिव I1 I2 को नेगेटिव, ठीक है। अच्छा तो हम लोग जब घूमेंगे तो उसका कोई कहाँ यूज आएगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन में, अगर इंटीग्रेशन ए से बी जाए और बी से ए आए सेम है क्या कि नेगेटिव का आ जाता है? यस सर, वही चीज का। तो तुम इससे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा? हाँ, इससे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो आप मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही चीज है। बताए तो थे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इंड्यूस होता है, इसलिए हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल देते हैं। यस सर, ठीक है। ये पाथ कैसा होना चाहिए? क्लोज, इसलिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस, यानी कि डीएल से है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है जो कि इक्वल है किसके, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। क्लियर है? Yes, ठीक है। पाथ तो हम लोग कोई सा भी इनक्लोज लेके कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा सिमेट्रिकल कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, पाथ शुड बी चूजन सच दैट एट एवरी पॉइंट ऑन पाथ मैग्नेटिक फील्ड इज आइदर टेंजेंट और नॉर्मल टू डीएल वेक्टर, ठीक है। डीएल वेक्टर से या तो टेंजेंट हो या फिर नॉर्मल हो, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इस केस में हमें आसानी से डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर टेंजेंट रहा तो कॉस जीरो जीरो और नॉर्मल रहा तो कॉस 90। सेकेंड,
ऐसा भी अगर पाथ मिल जाए कि बी शुड बी यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट ऑफ पाथ, पाथ के हर पॉइंट पे अगर यूनिफॉर्म रहा तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, क्या वो इंटेग्रल से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स का हम लोग ख्याल रखेंगे ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो आराम से सॉल्व हो जाए। अगर ऊपर वाला केस है तो डॉट प्रोडक्ट का कहानी खत्म, नीचे वाला केस है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो फिर से यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और इंटीग्रेशन है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा अगर इंटीग्रल पाथ पे, तो क्या हम बी को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से? यस सर। तो वही सेकंड पॉइंट कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस ऑफ थीटा आएगा, कॉस ऑफ जीरो और 90 आएगा तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। यस सर, वही पहला पॉइंट कह रहा है। एप्लीकेशन ठीक है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है किसी दूरी आर पे। ठीक है, इस पॉइंट पी पे करना है, इसमें करंट लेट से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आर दूरी है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आंसर कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे जो है कि ऐसा लूप कि उस लूप पे हमें क्या मिले, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, या फिर तो ऐसा अगर हम सर्कल मान ले इसको रेडियस मानते हुए, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर ही दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने मान लिया पी पॉइंट से पास होता हुआ एक आर रेडियस का ये लूप, यानी कि एम्पियरियन लूप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस लूप के थ्रू अगर हम देखेंगे तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड होना चाहिए। बी क्या यहाँ पे अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो इधर की तरफ होगा, डी एल जो है इधर की तरफ, दोनों में 90 डिग्री का है, कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा, इनटू द प्लेन होगा उधर मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे इधर की तरफ ही बी होगा और इधर की तरफ ही डीएल होगा, तो दोनों में जीरो डिग्री दिख रहा है और बी जो है आर दूरी पे है चारों तरफ से तो कांस्टेंट रहेगा, तो बी डीएल इंटीग्रल कॉस ऑफ जीरो डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ म्यू नॉट आई कितना जा रहा है, तो आई है इनक्लोज्ड, कॉस जीरो वन होता है, डीएल बता सकता है कोई कितना होगा? 2πr 2πr म्यू नॉट इंटू आई, यही आंसर था। ठीक है, गॉस लॉ में हम लोग यही काम किया करते थे, यहाँ भी वही काम। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करो, हो गया तो ठीक है, इसको सॉल्व करो। हेलो हेलो, हाँ एक मिनट सॉल्व करो। किस पॉइंट पे निकालना था? आर दूरी पे, उससे अंदर बाहर दोनों। यस।
सो एक में तो सेम एक्सप्रेशन आया. हेलो. यस सर. सो बाहर वाले में सेम एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई बाय 2. ठीक है. अंदर में जीरो. अंदर में जीरो. ठीक है. सबका आ गया. सर अंदर में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आइडियल के. हाँ सर अंदर में ऐसा ही हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड डीएल के परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर किधर? जैसे कि मान लो ना, हाँ कहीं भी देखते हैं, जैसे अंदर की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे अगर हम आई मान रहे हैं तो उसी के सिमिलर यहाँ भी आई होगा. यस सर. ठीक है. तो इसके कारण अगर हम मान लेते हैं सेंट्रल पॉइंट लेते हैं तो ये दोनों ओर से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट करेगा. यस सर. तो वैसे ही मिल के सारा जीरो हो जाता है. तो अंदर में जीरो ही रहेगा तो परपेंडिकुलर कैसे, क्या कर रहे हो? तो वो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जीरो आ रहा है. फिर दो केस होते हैं, प्लीज जीरो होगा या फिर दोनों परपेंडिकुलर होगा. म्यू आई इनसाइड ही जीरो हो रहा है ना. यस सर. फिर सॉलिनॉइड के केस में कैसे निकालेंगे? आएगा उसका भी कैसे लेंगे एलिमेंट तो देखेंगे. इसमें क्या बाहर के लिए ऐसा हम लोग लूप ले सकते हैं? ले yes, सकते sir. हैं. सॉल्व सबका आ गया देवांशु? यस सर. आ गया है सर. लास्ट वाला में कहीं पे फंस रहा हूँ. R greater than R के लिए अगर पॉइंट P पे निकालना हो तो इंटीग्रल B dot dl लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Mu not into I enclosed magnetic field और dl vector दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो B into dl लिख सकते हैं. Is equal to mu not into total enclosed है तो I dl 2 pi r आएगा. तो B is equal to mu not I upon 2 pi r. ठीक है. वही अगर हम केस टू सॉल्व करते हैं तो केस टू में हम इनसाइड में एक ऐसा लूप ले रहे हैं. ठीक है. इस पॉइंट क्यू पे तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू की बात कर रहे हैं जो कि इनसाइड है, यानी कि आर इज लेस देन आर. ठीक है. तो इस केस में अगर हम तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है. Enclosed current ही जीरो दिख रहा है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि B जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो. क्लियर है? सर अगर करंट हम लोग किसी और डायरेक्शन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से दे तो उस केस में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मतलब सर ये बेस से ना दे के लैटरल सरफेस से होके दे. पूरा सरफेस में क्लॉकवाइज करंट होगा. तो सरफेस में अगर क्लॉकवाइज करंट होगा तो कहीं ना कहीं बैटरी जोड़ना पड़ा होगा. मान लेते हैं कि लूप में ही है या फिर लूप ही है करंट में ऐसा गोल गोल घूम रहा है तो हमको सोलेनोइड ही तो दिख रहा है. यस सर. ठीक है. तो जैसे सोलेनोइड का होगा वैसे इसका होगा. बात समझ में आ रहा है? यस सर. इसका लिटिल वाले को बताइए क्या. हां अगर ऐसा 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 करंट घूम रहा होगा तो ये अगर हम इसको सुला देंगे तो सोलेनोइड तो दिख रहा है. यस सर. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस कर्व बनाएंगे तो क्या होगा सर? डायरेक्शन ऑफ करंट भी यहाँ पे मैटर कर रहा है. सर डायरेक्शन ऑफ करंट भी मैटर कर रहा है. हाँ तो डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ही. Yes, sir. वो तो करेगा ही. वो सब तो सर बोलो
सो इस केस में तो आई इनक्लोज अगर लेंगे तो आई कहां जीरो इस केस में सो अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं आई का तो मतलब कि ऊपर से नीचे जाए करंट नहीं सो हाँ हॉरिजॉन्टली इनवर्टेड केस में हाँ सो इनवर्टेड केस में तो आई इनक्लोज जीरो होगा ऐसा अगर करंट जाएगा तो तुम इसमें क्या बोलते हैं लूप कैसे मानोगे इसमें ऐसा ही गोला लूप मान लेंगे तो होगा क्या नो सर ठीक है मान लेते हैं कि अगर आसपास वायर है और हम सबका छोड़ा के एकदम गोला मान लें तो ऐसा थोड़े है ठीक है सिमेट्रिकल होना चाहिए अगर सॉलिड पाइप दे दे तो अंदर में कुछ रहेगा बाहर में सेम रहेगा फाइंड करो थर्ड सॉलिड रॉड बोल देते हैं करंट कैरिंग है सो उसको कुछ प्रॉपर्टी करंट डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी मान लो रेडियस आर है और उसमें करंट आई बह रहा है आई और रेडियस के टर्म में ठीक है यानी कि पूरे पार्ट में करंट बह रहा है और कौन कौन ज्वाइन किया है अंशिका है लोग तो बोलती नहीं है ज्योत्सना अंशिका सो यस सर तुम लोग तो एकदम म्यूट रखती है पता ही नहीं कि सो नहीं हाँ सो म्यूनोड आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2πr³ अंदर में यस सर बाहर में से म्यूनोड आई बाय 2πr अंदर में क्या बोले म्यूनोड आई smaller square divided by हाँ? 2 pi r cube नहीं okay. थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो integral to dl क्या लिए हो so b b dot 2 pi r smaller so, smaller लिखे हो तो r square में r cancel होगा so, so, डेंसिटी करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी में जा रहा है कि एरिया में जा रहा है ओके सर सर अगर हॉलो वाला में आर इक्वल टू आर लेते तब जीरो होता कि म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर होता सर तो ये म्यू नॉट आई आर बाय टू पाई आर सर म्यू नॉट आई आर बाय पहला पार्ट तो सबका आ गया होगा आर ग्रेटर देन आर के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एक ऐसा लूप बनाएंगे इस लूप पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ठीक है अंदर जैसे अगर लूप है प्लेन में है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है डीएल वेक्टर भी जो है इधर ही भी दिख रहा है ठीक है तो डीएल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अंदर की तरफ यहाँ से अगर देखेंगे तो इंटेग्रल बी डॉट डीएल तो बी डॉट डीएल क्या आएगा तो म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड आई इनक्लोज्ड टू आई ही है तो म्यू नॉट आई बी डीएल जीरो डिग्री दिख रहा है इंटेग्रल डीएल टू पाई आर होगा इनटू कॉस ऑफ जीरो डिग्री इसकल टू म्यू नॉट इनटू आई कॉस जीरो वन होता है सेम चीज ठीक है इनसाइड के लिए अगर बात कर रहे हैं केस टू जब आर लेस देन आर हो ठीक है आर जब लेस देन आर है तो हम थोड़ा सा इसका चौड़ाई बढ़ा देते हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर हम लोग को अंदर में किसी पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक ऐसा लूप ले लेंगे एक स्मॉल रेडियस आर का तो अगर हम देखें तो इस पोर्शन में जो भी करंट बह रहा होगा
वही आई इनक्लोज्ड होगा, ठीक है, यानी कि इस ट्यूब के अंदर में अगर हम देखें तो जो करंट बह रहा होगा वही इनक्लोज्ड होगा। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि पाई आर स्क्वायर एरिया से करंट जो गया आई, तो वन यूनिट एरिया होता तो ये जाता आई बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर स्मॉल आर ले रखे हैं तो पाई आर स्क्वायर से जो करंट जाएगा वही आई इनक्लोज्ड होगा, और उसे हम क्या लिखेंगे तो आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये आई इनक्लोज्ड आ गया तब तो काम आसानी है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो फिर से वही सब कहानी, टू पाई आर, डी एल के लिए आर क्या लेंगे स्मॉल आर इंटू कॉस ऑफ जीरो डिग्री इजकल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड है आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। एक आर से ये तो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जा रहा है हमारा म्यू नॉट आई आर अपॉन टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन ड्रॉ करेंगे वर्सेस इधर हम डिस्टेंस आर दे रहे हैं, यहाँ पे आर इक्वल टू आर है तो दिख रहा है कि आर इक्वल टू आर तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके बाद ऐसा वन बाई आर का आ रहा था। यहाँ पे देखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर दिख रहा है, क्लियर है इतना? यस सर। हाँ तो थोड़ा ऊपर किसी से वो सॉलिड पाइप का ना, हाँ सॉलिड रॉड लिखे हैं सो वो डिस्कनेक्ट करते हैं। सोलेनोइड रहेगा तो क्या करोगे, फोर्थ है ना? ये सो ठीक है, सोलेनोइड है, यहां से बोल रहे हैं ऐसा करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इधर अंदर की तरफ, ठीक है। अब वायर जो है इसके ऊपर है, सबको दिख रहा है वायर? Yes, sir. ठीक है, वायर जो है इस पे लिपटा हुआ है, यानी कि इधर से ऐसा जा रहा है, इस पे ऐसा जा रहा है, यानी कैसा करंट बह रहा है, एक वायर बनाया है, बाकी सबको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है, यानी कैसा ऐसा वायर जा रहा है हमारा, यानी कैसा हमारा लूप है, इसपे मैग्नेटिक फील्ड होगा, अभी हम लोगों ने पता किया था तो म्यू नॉट इंटू एन आई आया था, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो सर्किट जो एम्पीरियंस लूप है वो कैसे यूज करते हैं, अंदर में जाके कोई लूप ले लें तो हमसे उस कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और अंदर में लूप लेंगे तो हमें दिखेगा कि चारों तरफ से वायर के बीच में जाके हम लूप लिए हैं, ठीक है, यानी कि हमें पाथ में घूमना है तो कम से कम कुछ वायर्स को हम लूप में कंसिडर करते हुए लेंगे। तो इसमें जो लूप लेने का तरीका है वो है कि हम लोग ऐसा एक लूप ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा मान लेते हैं कि इसके सेंटर पे पता करना था, इस पॉइंट पे हमें पता करना था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना हो सेंटर पे, अंदर में अगर थिकनेस कम है तो हम लोग यूनिफॉर्म मान लेते हैं, बाकी हम लोग को फाइंड करने हमेशा सेंटर पे ही मिलेगा। तो हम लोग यहां से अगर मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है आर है, तो ऊपर भी हम आर लेंथ ही गए हैं और ऐसा एक स्क्वायर लूप बना लिए हैं, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं एम्पेरियंस लूप, एम्पेरियन लूप है ऐसा है, लेट से पॉइंट है इस पे पी क्यू आर भी है ए बी बी भी है, पॉइंट क्या ले लें ई एफ जी एच,
ठीक है, ये चार पॉइंट्स है ई एफ जी एच। तो यहाँ पे हमें आई इनक्लोज्ड अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अगर इसका हम लेंथ एल ले रखे हो तो आई इनक्लोज्ड क्या लिखेंगे बोलो। एन था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई, यही होगा। हेलो, यस सर, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ऐसा है अगर हम लोग लिए हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन आई एल इतना इंक्लोज है। अब इसके थ्रू अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ अगर देखें हम लोग, तो एम्पियर लॉ के थ्रू अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और हम एक्स्ट्रा चीज बोलेंगे, ठीक है, जैसे कि बी डॉट डी एल जो है हम क्या होता है, जैसे कि हम लोग थे ई डॉट डी ए फाइंड कर रहे थे, वैसे ही इससे भी हम लोग देख सकते हैं हर पाथ के लिए। तो हर पाथ के लिए हम ई एफ एफ जी जी एच और एच ई से लिखेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा ई से एफ बी डॉट डी एल प्लस एफ से जी बी डॉट डी एल प्लस जी से एच बी डॉट डी एल प्लस एच से फिर आ गए ई बी डॉट डी एल एंड म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज आया है एन आई एल, ठीक है। अब इधर वाले पार्ट को हम ये क्लोज्ड पाथ का इंटीग्रल था, यानी कि हम किसी एक पॉइंट से चल के फिर उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो हम यहाँ से मान लिए ई से एफ गए, एफ से जी गए, जी से एच आए, एच से फिर ई आ गए, ठीक है। तो अगर हम इस पाथ में मूव करे हैं तो हमारा टोटल क्लोज पाथ हो गया। अब एक एक पार्ट के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बी पे जो सेंट्रल लाइन है ये लूप का एक्सिस है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा और डीएल वेक्टर भी इधर की तरफ होगा, यानी कि हम ई से एफ के लिए इसे क्या लिख सकते हैं, बी इंटू एल, क्योंकि ई एफ का डिस्टेंस क्या है, एल है, कॉस ऑफ जीरो डिग्री है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब एफ से जी, एफ से जी जा रहे हैं तो डीएल हमें इधर दिख रहा है, बी तो इधर ही होगा, और इसके जस्ट आउटसाइड जो है इधर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है, यानी कि आउटसाइड द जस्ट ऊपर नीचे की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा जीरो होगा, ठीक है। अगर हम कंपास ले जाए तो नो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, तो वहां का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बाहर का जीरो लेते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री ही है और ऊपर जीरो ही, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो जीरो। जी से एच मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है तो ये भी जीरो, ई एच भी ये भी जीरो है तो ये भी जीरो, यहाँ से म्यू नॉट एन आई एल, एल से एल कट जाएगा, बी इक्वल टू हमें दिख रहा है म्यू नॉट एन आई, यस सर। सो वहां पे जीरो क्यों होगा, जैसे कि अगर हम ऐसा सोलेनोइड लिए हैं यहाँ पे ऐसा लूप है, ठीक है, यहाँ पे हमारा आउटसाइड करंट जा रहा है, यहाँ इनटू द प्लेन जा रहा है, तो इस पॉइंट पे जस्ट आउटसाइड में अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा बताओ, इस आउटसाइड वाले के लिए क्या लिंक किधर की तरफ रहेगा, इस डायरेक्शन में, और इनसाइड वाले के लिए इस डायरेक्शन में, जी सर, ठीक है। तो होता क्या है कि इसका रेडियस बहुत कम होता है तो डिस्टेंस हम लोग लगभग सेम मान लेते हैं तो जीरो कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल आता है कंपास रखा जाता है तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, ठीक है। जैसे कि ये जो है बार मैग्नेट की तरह ही ट्रीट होता है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके आसपास में जो होता है यहाँ लगभग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बहुत कम होता है, इस वजह से इसका भी वैसे ही आता है, हम लोग जीरो मानते हैं जस्ट आउटसाइड, ठीक है। यस
ये था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, और पहले हम लोग निकाले ही हैं फिफ्थ टोरॉइड। ठीक है, टोरॉइड क्या होता है? तो जैसे कि ये हमारा सोलेनोइड है, इसका दोनों एंड को पकड़ के एक हम रिंग बना दें तो कैसा शेप बनेगा, या फिर स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दोनों एंड को पकड़ के एक रिंग बना दो, कैसा शेप बनेगा बताओ? अजीब सा शेप बनेगा। ऐसा कुछ अगर परफेक्टली रिंग बनाएंगे तो? यस सर। ठीक है, सब वायर है। ठीक है, इधर से मान लेता है, इधर से चला गया, ऐसा ही बनेगा, यानी करंट हमें ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है सब में, तो ये जो शेप है इस चीज को हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। इसका भी थिकनेस बहुत कम ही है, इसका रेडियस आर है। तो इसके कारण जो इसके अंदर, यानी कि इस रीजन में जो अंदर वाला रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यही मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या होगा वो पता करना होता है। बाहर का हम लोग बोलते हैं कि आइडियल केस में जीरो ही है मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर में है, यूनिफॉर्म है। जैसे कि सोलेनोइड के लिए यूनिफॉर्म आया, इसके लिए भी यूनिफॉर्म आया, तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जीरो मानते हैं, रियल रहेगा तो कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन आइडियल केस में हम लोग जीरो मानते हैं। ठीक है, और इसका अगर हम इंडिविजुअल रेडियस की अगर हम बात कर रहे हैं स्मॉल आर, तो स्मॉल आर को हम मान रहे हैं मच मच लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर क्या? ये जो ट्यूब है उसका रेडियस। यानी जो पहले अगर इसको स्ट्रेट रखे थे सोलेनोइड था उसका, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? इसमें भी एन। हाँ एन तो रहेगा ही ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसमें ऐसा कुछ करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा राउंड राउंड रहता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म कर सकते हैं। सर ये रिंग ही हुआ ना टोरॉइड? शेप तो रिंग का ही है। ठीक है, लेकिन क्या बन रहा है ये समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हो रहा है। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग हो गया तो सोलेनोइड हो गया, जो टिप टॉप पेन में होता है स्प्रिंग, उसको देखो तो वैसा वायर लपटा हुआ है, वायर जो है सटा हुआ है, तो सोलेनोइड बोलते हैं। दोनों एंड को लमड़ा कैसे गोल कर दिए तो टोरॉइड हो गया। इसमें थीटा के टर्म लेना पड़ेगा क्या? गोला है तो थीटा लेना ही पड़ेगा। ऐसा इसमें लूप लेते हैं हम लोग। डॉटेड ही दिखा। ठीक है, ये जो है एम्पेरियन लूप हो गया। सो अंदर या बाहर निकालना? इसके अंदर ही, इस पॉइंट पे, सेंट्रल पॉइंट पे ही निकाल सकते हैं। ये पॉइंट जो है इसके बीचों बीच। यस, तो एम्पेरियन लूप बाहर
ओके यस सर. नो सर. कितना आ रहा है? सो एक सेकंड. सो ईएफ क्या? सो ईएफ का रेडियस क्या है ये आपका? किसका? ईएफ आर्क का रेडियस. So, हाँ so EF आर्क का रेडियस इसके जस्ट बगल में ले लो तो आर ही ले लो और क्या. इसके जस्ट बगल में लिए हैं ठीक है तो आर के बगल में ले लो. कैलकुलेट करने में आसान रहेगा. जस्ट नीचे है ये जो वाला जो है जस्ट नीचे है इस वायर के. So, Ni mu naught. Ni mu naught. ठीक है. ठीक है फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे? जस्ट हम यहाँ पे अच्छा ये सॉरी यहाँ पे नहीं यहाँ पे लेंगे तब ना पॉइंट रहना चाहिए. पॉइंट पे लेना चाहिए इसको जहां पता करना है ये पी पॉइंट से जाना चाहिए. सॉरी ऐसा लिए ठीक है. नहीं तो नीचे लेंगे तब तो टोटल करंट ऊपर से जा रहा नीचे यही चीज ले रहे हैं. तो यहां से अगर हम देखें तो इसका थिकनेस को हम बहुत कम रखें तो बी ई के बीच में हमें क्या दिखेगा? बी इंटू आर थीटा. ई एफ लेंथ क्या है? आर थीटा दिख रहा है प्लस बी एफ जी में अगर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ और डीएल जीरो हो जाएगा और बाहर तो जीरो रहता ही है. ये सारे हमको जीरो दिख रहे हैं ये म्यू नॉट. आई इनक्लोज्ड कितना? एन इनटू आर थीटा. थीटा इनटू आई ये होगा ठीक है. यानी कि एन आर थीटा आई लिख रहे हैं तो आर थीटा से आर थीटा गया. बी इक्वल टू म्यू नॉट एन यानी कि जितना हमारा आइडियल सोलेनोइड का था उतना ही आइडियल टोरॉइड का होता है. अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यूनिफॉर्म होता है बाहर में जीरो लेते हैं इसलिए इसका यूज जो है करते हैं आइडियल के लिए. रियली में थोड़ा बहुत तो रहेगा ही. क्लियर है इतना? यस सर. ठीक है तो एच सी वर्मा जो है चैप्टर नंबर कौन सा था? 36 है. 35 एच सी बी 35 कंप्लीट खत्म. ठीक है. हाँ ठीक है. ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू अभी थोड़ा बहुत हम लोग इसमें पहले से ही जान रहे थे इसलिए पढ़ लिए. ठीक है क्या क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पहले से आइडिया है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह होता है ठीक है. तो कुछ पढ़ना पड़ेगा कौन सा? नहीं नेक्स्ट क्लास से हम लोग वही सब शुरू करेंगे ठीक है. नेक्स्ट क्लास वही मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्सेस कितना लगेंगे उन सब चीज को हम लोग फाइंड करना शुरू करेंगे. फोर्सेस आएगा फिर उसी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ खास है नहीं टेंथ क्लास में पढ़े थे ही और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पता ही है तो पढ़ते पढ़ते वो सीख ही जाते हैं लगभग. बस एक सब बुकलेट होता है. हाँ बुकलेट वाले में अभी देखो उसमें शायद प्रूफ रीडिंग के लिए था अभी वो कंप्लीट नहीं बना है. मतलब कि बना नहीं है कहने का मतलब है कि अरेंज नहीं हुआ है.
ठीक है जो गया है, इसलिए जैसे देखोगे एक्सरसाइज में तो नंबरिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो बीच में थोड़ा ब्लैंक स्पेस दिया हुआ था। हाँ मतलब क्वेश्चन भी एडिशन करना है तो ये चीज हो गया है। ठीक है ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज रखते हैं तो कितना फोर्सेस लगेगा, करंट कैरिंग वायर होगा तो कितना फोर्स लगेगा, उन सब के कारण क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, वो सब चीजें। ठीक है यस सर ठीक है फिर, थैंक यू सर, थैंक यू सबको।